किसी भी युद्ध में तीन ही चीजों की अहमियत होती है, पहली योद्धा कौन है, दूसरी उसकी युद्ध रणनीति क्या है और तीसरी की उसके पास हथियार कौन सा है। 23 और 24 के चुनाव भी एक तरह के युद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस युद्ध में अपने 3 टारगेट आज से 50 दिन पहले ही बता दिए थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण, और आज से प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने इन तीनों पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। चौबीस के चुनाव में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण, ये 3 टारगेट होंगे। प्रधानमंत्री ने इसका संकेत 15 अगस्त को लाल किले से ही दे दिया था। तुष्टिकरण की सोच, तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। प्रधानमंत्री ने 8 बार तुष्टिकरण, 11 बार भ्रष्टाचार और 48 बार परिवार या परिवारवाद शब्द बोला था। ये एक तरह से कांग्रेस मुक्त भारत के नारे का अपग्रेडेड वर्जन था, जो पूरे विपक्षी इंडी अलायंस के लिए था। आज जोधपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने इसी तुष्टिकरण की लाइन पर कांग्रेस और गहलोत सरकार को घेरा। पूछा, जब जोधपुर दंगों में जल रहा था तब गहलोत क्या कर रहे थे? राज्य में हिंदू त्योहार सुरक्षित क्यों नहीं है? यात्राओं पर पत्थरबाजी क्यों होती है? आरोपियों को कौन बचाता है? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण ही है क्या? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला किया। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसी पर पूरे इंडी अलायंस को घेरा। ये जो इंडी अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवार, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टिकरण। बिहार में जाति जनगणना के बाद विपक्ष इसे पूरे देश में कराने की रट पकड़ चुका है। महिला आरक्षण के बहाने ओबीसी कार्ड भी खेल रहा है। जेपी नड्डा ने इसे अपने ढंग से समझाया कि विपक्ष अपने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए अब जातिवाद को हथियार बना रहा है और इसके लिए भाई से भाई को लड़ा देना चाहता है। भाई को भाई से लड़ो, तुष्टिकरण की राजनीति करो, इसमें मस्त है, ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटकर कहा कि प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि तुष्टिकरण परिवारवाद के मुद्दे को हर बार भुना लेंगे तो इस बार नहीं चलेगा। तभी वो इतने डरते हैं उनसे, और किसी के नाम क्यों नहीं लेते हैं? राहुल गांधी के नाम क्यों लेते हैं? इस परिवार के नाम क्यों लेते हैं? प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि विपक्ष चुनाव में जाति कार्ड को कैश करना चाहेगा, तो उनके पास भी गरीब कार्ड तैयार है। ठीक है, तो 3 बातें, परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, उसके बाद जाति जनगणना, तो जातिवाद, ये भी एक नया मुद्दा तर्कश में जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी के। कितने तीर चलेंगे और कितने तीरों का जवाब चरण सिंह सापरा साहब की पार्टी यानी कांग्रेस देगी, तो आज कौन कौन से 2 मेहमान मेरे साथ हैं, दोनों बेहद खास मेहमान हैं। मनोज तिवारी जी, जाने माने सुपरस्टार और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेता मेरे साथ हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा साहब हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सहयोग देखिए आज दोनों ही मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं दोनों को, तीनों पर बात करेंगे हम, तुष्टिकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, और चुनाव की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं 90 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं। सबसे पहला मेरा सवाल चरण सिंह सापरा साहब, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपके पास संकट है वो ये है कि तुष्टिकरण के नाम पर, अल्पसंख्यकों से प्रेम के नाम पर आप घिर जाते हैं। मनमोहन सिंह जी का वो बयान याद दिलाया जाता है कि उनका क्या, जिसमें उन्होंने कहा था विज्ञान भवन के अंदर कि भाई देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का होना चाहिए, मुसलमान भी उन्होंने कहा था। तो चरण सिंह सापरा साहब कैसे इसका जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसकी पिच करती है, हिंदुत्व का बैट उठाती है और मनोज तिवारी जी उस पर चक्का मार देते हैं गाना गा के, कैसे करेंगे चरण सिंह साहब? देखिए दीपक जी, आपने कहा कि आप कैसे सामना करेंगे, कैसे जवाब देंगे इन तीनों चीजों का। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जब चुनाव हुआ था, या फिर कर्नाटका के अंदर जो चुनाव हुआ था, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ये 3 ही मेन मुद्दे थे, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। प्रधानमंत्री ने हर मंच से ये दोनों राज्यों के चुनाव में उन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण किए। कर्नाटका का आपको याद दिलाऊं कि
वहां पर तो बजरंग बली जी की भी मदद उन्होंने लेनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसी परिस्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, जो विपक्ष पूरे देश में बोल रहा है, जिस तरह से प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की समस्या का मुद्दा, किसानों की आय दुगनी करनी थी, महिला अत्याचार का मुद्दा, ये तमाम सारे जितने मुद्दे हैं ये जमीन से जुड़े हुए जनता के मुद्दे हैं। और कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री के उन तीन मुद्दों को या भारतीय जनता पार्टी के तीन मुद्दों को नकार दिया है। आज फिर प्रधानमंत्री वही बात बोल रहे, यानी अंग्रेजी में कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो नहीं है बोलने के लिए, जिस बात पर वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, जनता ने नकारा है उनको दो राज्यों के अंदर, वही बात वो फिर कर रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए बातें वो प्रधानमंत्री नहीं करना चाहते हैं, ये जनता भी देख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के हताश नजर आ रही है, निराश नजर आ रही है, थकी हुई नजर आ रही है, वही थकी हुई बातें उनके सभी नेता कर रहे हैं। तो थकी हुई, निराश और हताश पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये तमाम सारे राज्यों के लोग कोई भी वोट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि ये जुमलाजीवी है, इनके जुमलाबाजी पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। मनोज तिवारी क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं आप तो थकी हुई है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल हम जीत गए, यही बातें आपने कही थी, इसलिए हम ये तीन भी जीत जाएंगे, क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी जी आपका चरणजीत सापरा साहब के जवाब पर? देखिए, सापरा साहब तुष्टीकरण को थका हुआ बोलते हैं, परिवारवाद के इशू को ये थका हुआ बोलते हैं, भ्रष्टाचार के इशू को ये सापरा साहब थका हुआ बोल रहे हैं। मैं मानता हूं जनता ये बात जब सुनेगी ना कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण जो हमारे समाज को खोखला करता है, उसको अगर कांग्रेस के प्रवक्ता थका हुआ बोलते हैं, तो फिर इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सुनेंगे, एनडीओ को सुनेंगे, नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे, हमारे नड्डा जी को सुनेंगे। देखिए दीपक भाई, तुष्टीकरण का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी थका हुआ हो सकता है? इस देश में कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े लीडर जो बोलते थे कि एक रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा नहीं पहुंचता है, मात्र 15 पैसा पहुंचता है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया में पूरा 1 रुपया पहुंचाना शुरू किया। उस गवर्नेंस को तो अभी हम जनता के बीच में ऐसा प्यार मिलता हुआ पा रहे हैं, लेकिन साथ में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, ये उसको थका हुआ बताते हैं। रही बात किसी स्टेट में जीत गए, अच्छी बात है, बधाई हो आपको जीत गए, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पे जब जब इन्होंने वादा किया तो क्या उनको पूरा किया? क्या हमारे सापरा साहब बता सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 1000 रुपया मिला क्या? तो ये सारी चीजें कहने के लिए अच्छी हैं, लेकिन ग्राउंड पे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और ये परिवारवाद, ये जनता इसको शत्रु समझती है। ठीक है सापरा साहब, अब आप जातिगत जनगणना भी ले आए, अब ये कह रहे हैं कि ये तीन तो मुद्दे हैं, तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लेकिन इसमें जातिवाद भी अब जुड़ गया है, तो ये एक पॉजिटिव एजेंडा लेके चल रहे हैं, आपके पास क्या पॉजिटिव है देने के लिए, खासतौर पर जब राजस्थान के मॉडल की बात होती है, छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात होती है गवर्नेंस में, तो क्या ऐसी बातें हैं जिसको आप शोकेस करना चाहेंगे इन चुनाव के अंदर? देखिए, पहली बात तो मैं इनका थोड़ा सा उत्तर पिछले इसका दे देता हूं। इन्होंने परिवारवाद की बात ये अगर कांग्रेस पे थोपना चाहते हैं तो वसुंधरा राजे क्या है, सबसे बड़ा प्रतीक तो वही है परिवारवाद का, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे में लिस्ट गिनाने जाऊंगा तो आपके 10 मिनट इस शो के उसी में चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के अगर मैं गिनाने जाऊंगा। ये जहां तक बात करते भ्रष्टाचार की, तो ये हमारे पर उंगली उठाने के समय इनको ये भी सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापक घोटाला हुआ था, जिसमें 23 या 24 प्रकार की परीक्षाएं थी, 1 करोड़ नौजवानों का नुकसान इन्होंने किया है, तो क्या वो नौजवान भूल जाएंगे? क्या नौजवान भूल जाएंगे कि पटवारी के इम्तिहान जो हुए उसमें 15-15 लाख रुपए में पेपर बिका था?
क्या लोग भूल जाएंगे कि नर्सिंग का परीक्षा हो या फिर डीमैट की परीक्षा हो या फिर और सारी भर्तियां हो उसके अंदर किस तरह से इन्हीं के लोगों ने वहां पर भ्रष्टाचार किया है। तो राजस्थान में भी लगे सर अशोक गहलोत सरकार पे सपना साहब, प्लीज आप इन पर जो आरोप लगा रहे हैं वही तो आप पर लगे हैं। पेपर लीक घोटाला, सचिन पायलट उसके चलते छोड़ के जाने को राजी थे। मैं उसके आगे की भी बात कर रहा हूँ, सुनिए तो सही, जरा धैर्य रखिए ना आप। इनको आयुष्मान स्कीम जो इनकी है उसके अंदर कैग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, कैग सरकार की तरफ की होती है। कैग ने कहा है कि जो लोगों की मृत्यु हो गई कोविड के अंदर उनका भी इलाज मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। कितना बड़ा घोटाला हुआ है, आदिवासियों की और दलितों पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है अव्वल दर्जे पर है, पूरे देश के अंदर पहला राज्य है वो। और आदिवासियों की 3.22 लाख आदिवासियों की जो पट्टा जो उनका छीन लिया गया है, निरस्त किया गया है, क्या ये आदिवासी भूल जाएंगे? क्या दलित भूल जाएंगे कि उनको रोड पर बिठा करके और बीजेपी के नेताओं ने चप्पलों से मारा है? क्या आदिवासी भूल जाएंगे कि बीजेपी का नेता पुत्र जो है वो उनके ऊपर सरेआम पेशाब कर रहा था? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। उज्जैन का वाक्य हुआ है जहां पर एक बच्ची को किसी ने पूछा नहीं और प्रशासन कहता है कि शायद उत्तर प्रदेश की बच्ची है, भिखारी है, इस तरह से कहा, फिर पता चला कि सतना की बच्ची है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ऐसी घटनाएं सतना में हो रही हैं, ऐसी घटनाएं उज्जैन में हुई, ऐसी बलात्कार की घटनाएं भोपाल में हो रही हैं और ये हाल ही में हो रही हैं। तो फिर प्रशासन कहाँ है? प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है सर, सर, जब सर, आप हम पर एक उंगली उठाते हो। देखिए मैंने टाइमर हटा दिया है, अब मैं दोनों को बीच बीच में टोकूंगा वरना कोई मजा नहीं आएगा डिबेट के अंदर। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने बलात्कार की घटनाएं भोपाल की गिना दी, उज्जैन की गिना दी, अरे जयपुर भी गिना दीजिए, करौली भी गिना दीजिए, अलवर भी गिना दीजिए, चूरू भी गिना दीजिए। आप ही के नेता कहते हैं शांति धारीवाल हाउस के अंदर कि भाई मर्दों का स्टेट है राजस्थान, इसलिए यहाँ रेप ज्यादा होते हैं। अब सुनिए, तो मैं उत्तर जवाब दे लीजिए, मनोज जी मेरा टाइमर हटा दिया, जवाब दे लीजिए। जितने भी वाक्य राजस्थान में हुए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को पकड़ा गया है, उन पर कार्रवाई हुई है, सख्त से सख्त उनको सजा दी गई है। ऐसा दूसरी जगहों में भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में ऐसा नहीं होता है। क्यों हाथरस में ऐसा नहीं हुआ? क्यों उन्नाव और कठुआ में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता बलात्कारियों के साथ खड़े थे? बृजभूषण शरण सिंह क्या कर रहे थे? हमारी मेडल जीती हुई बेटियां जब सड़कों पर बैठी थी, यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया है, आज तक नरेंद्र मोदी जी के, जेपी नड्डा जी के और अमित शाह के मुंह में दही जमी हुई है ना, क्या बोले हैं वो इसके बारे में? तो जब आप बोलते हैं बेटी के ऊपर आप जब बातें करते हैं तो ये भी याद रखा करिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या हो रहा है, ठीक है? और आप बलात्कारियों जवाब ले लेते हैं भाई, आपके राज्य में भी बलात्कार हो रहे हैं मनोज तिवारी जी? नहीं, मैंने टाइमर हटा दिया, बहुत टाइम है हमारे पास। छह मिनट लगातार बोला है सापरा जी ने, छह मिनट में एक सेकेंड कम मैं बोलूंगा। मैं अभी राजस्थान में गया था, नहीं मैं घड़ी देख रहा हूं सापरा साहब, 6 मिनट कोई बात नहीं। अगर उज्जैन में कुछ घटना हुई, सुनिए, उज्जैन में कोई घटना हुई ना, तो विदिन 72 आवर उसका इनकाउंटर भी हुआ है। पहली बात, अगर किसी भी कांग्रेस स्टेट में ऐसा हुआ हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा सापरा साहब। आपके राजस्थान में मैं होके आया हूं, मैं उदयपुर होके आया हूं, चित्तौड़ पे होकर आया हूं। आप सुनिए, अब सुनने की क्षमता रखिए। आपके यहां विधानसभा के अंदर आपका मिनिस्टर कहता है कि राजस्थान तो नंबर 1 है बलात्कार में, क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, अब उसका हम क्या कर सकते हैं? और पीछे से 35 लोग अट्टहास करते हैं, आपके विधायक और आपके नेता, आपके राहुल गांधी, आपकी प्रियंका जी, 1 35+1 उसमें क्या कार्रवाई हुई है? एक पे कार्रवाई नहीं होती है और पूरी कांग्रेस अट्टहास करती है। आपके राजस्थान में एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करके उसको भट्टी में झोंक दिया जाता है। आपके यहां कोई जाता नहीं है वहां पे, प्रियंका जी बोलती हैं मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनको वहां जाने में शर्म आती। एक भी जगह जहां घटना हुई है, अगर राहुल जी या अशोक गहलोत जी या फिर प्रियंका जी गई हो तो आप मुझे बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा सर। आपके यहां जिस प्रकार से
सरेआम गर्दन काटने के बाद जमानत दी जाती है, ये राजस्थान में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। नहीं अभी नहीं, अभी आप समझिए, इसके बाद आप यहाँ वादा किया जाता है, पूरा नहीं होता है। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और रही बात ना कि इतना कुछ करने के बाद क्या आपके किसी भी नेता का ये फर्ज नहीं बनता कि उस घटना में जाए, और अगर कहीं घटना बीजेपी रूल स्टेट में घटी भी तो विद इन 24 आवर्स उसको जो सजा मिलती है वो पूरा देश देखता है भाई साहब। इसलिए आप याद रहे। दूसरी बात, आपने बड़ी कायदे से इन सारी महिलाओं की बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराध में आपका राज्य प्रथम आता है, राजस्थान प्रथम आता है सापरा जी। आपको बोलते समय 20 बार शर्म आनी चाहिए। क्या आपके राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के और अशोक गहलोत जी के मुंह में दही जमी हुई है, हमारे नहीं। और रही बात भ्रष्टाचार, आज छत्तीसगढ़ को एटीएम बोला जाता है राहुल गांधी का। अरे मैंने टाइम हटा दिया साहब, प्रसाद आपको सुनने में बुरा लग रहा है, मत कस दीजिए, अकेले आप ही किसे जवाब दूंगा। एटीएम बोला जाता है, इनको बोलने दिया जाए क्या? हमारे यहाँ अभी मैं होके आया हूँ, यानी मेरे को इनसे सवाल पूछना है मनोज तिवारी। आप बोलेंगे तो मैंने आपकी हर बात मानी, आपके हर तर्क को माना, लेकिन आप ही वो पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी है जिसका दिल बड़ा होना चाहिए। और आज का पोस्टर दिखाइए राहुल गांधी जी का, आप रावण कह रहे हैं उनको? नहीं नहीं, पोस्टर में रावण कह रहे हैं। हम तो जब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो ये लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम तो इनके बीच में बोले भी नहीं, सुनने की तो क्षमता रखिए सापरा साहब। आपके छत्तीसगढ़ को एटीएम बोला जाता है? नहीं, आप बीच बीच में बोले जा रहे हैं, मेरा पूरा काम हो रहा है, आप बोलने ही नहीं दे रहे हमको। मैं अंतिम बात आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप कभी अपने राज्यों में जा करके वहां की सच्चाई को पता करें, और आप देश को बताइए कि कांग्रेस रूल स्टेट बलात्कार में नंबर वन क्यों हो जाता है, भ्रष्टाचार में नंबर वन क्यों हो गया है, यहां तक कि पेपर लीक में नंबर वन हो गया है, यहां तक कि जो अपराध के आजकल वो जो डिजिटल अपराध होते हैं उसमें भी नंबर वन हो गया है, आदि हमारे जवाब लेते जन दलित समाज के ऊपर जो अपराध होते हैं उसमें राजस्थान नंबर है। आप कहां से प्रभु ऐसी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट में अगर कहीं अपराध हुआ तो अपराध करने वाले की खैर नहीं। अच्छा, एक मिनट सप्रा साहब, मैं एक पोस्टर दिखा रहा हूं, मनोज तिवारी जी ने उसका जवाब नहीं दिया, उनसे ये जवाब लेना जरूरी है। आप राहुल गांधी को रावण कह रहे हैं, 10 सर वाला दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? ऐसे मनोज तिवारी जी, ये बीजेपी का पोस्टर है, उसी ने ट्वीट किया है। भाई राहुल गांधी जी के पूरे विचार को सुन लीजिए, जब G20 हो रही है तो जाकर के आप भारत की बुराई करते हैं, आप चीन का सिंबल लगा के बैठते हैं, जब पूरा दुनिया भारत का गुणगान कर रहा है तो मोदी जी का खिलाफत करते करते आप देश की खिलाफत करने लगते हैं। कौन इस देश का नेता होगा दीपक जी, सापरा जी आप ही बताओ ना, हम तो आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं भाई साहब, कौन ऐसा नेता होगा जो भारत की बुराई करता हो और दुनिया के और किसी देश की तारीफ करता हो, भारत के लोकतंत्र की बुराई करता हो, जबकि चुनाव भी जीत जाते हैं। आप ही कह रहे हैं कि आप हिमाचल में चुनाव जीत गए, आप कर्नाटक में जीत गए, फिर भी भारत के लोकतंत्र को गाली देते हैं। अगर इस तरह का कोई काम करेगा तो अगर उसकी तुलना लोग ऐसे कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आरोप है दीपक जी, जितनी बुराइयां क्या आरोप? अरे एक दो सवाल तो अभी बाकी है जो लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। ना एक मिनट सप्रा साहब, क्या इन्होंने पोस्टर में राहुल गांधी जी को रावण दिखाया? क्या मैंने गलत सवाल पूछा? ठीक है, नहीं आपने सही सवाल पूछा, लेकिन आप इनको लगातार पहले आप भी लगातार बोल रहे थे, मैंने दोनों से टाइमर हटा दिए, मैं किसी पे टाइमर नहीं चला रहा हूँ, आपको भी जितना बोल रहा हूँ पेट भर के बोलना, दोनों से टाइमर हटा लिए मैंने, ठीक है आप बोलिए जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने 10 मिनट तक अभी सारी बातें बोली, लेकिन ना इन्होंने हाथरस का जवाब दिया, ना इन्होंने उन्नाव का जवाब दिया, ना इन्होंने कठुआ का जवाब दिया, ना इन्होंने ब्रिजभूषण शरण का कोई जवाब दिया। सजा मिली है सापरा जी,
हाथरस में कड़ी कार्रवाई करी हमने। एक मिनट अभी चुप रहिए, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर ऐसे ही चलानी होगी डिबेट तो मैं लगातार आपके बीच में बोल सकता हूँ। तो जो जिस तरह से आप हमको बोल रहे थे, बोले तो उतना तो मैं बोलूंगा भाई। निर्लज्जता तो आपकी नजर आई कहां पर? मणिपुर के अंदर पूरे भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता नजर आई। आप कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी के कानून राज्यों में। मणिपुर में क्या हुआ? 1 महीने के बाद आपने नग्न अवस्था में लड़कियां जब घूमी है, 1 महीने के बाद आपको जब वो वीडियो आई तब आपको पता चला, और उसके बाद जाकर के आपने कार्रवाई की। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है ये कहने का। आपने हमेशा बलात्कारियों का साथ दिया है। आपको विपक्ष ने कहा वो वीडियो उस मुख्यमंत्री को हटाइए, वहां पर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर बेघर हो गए हैं। आज भी मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद है, आज भी वहां पर दंगे हो रहे हैं, आज भी वहां पर सिपाहियों को मारा जा रहा है। कहां है आपका शासन प्रशासन? और आप यही शासन प्रशासन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में लाना चाहते हैं? ये जनता देखती है। नग्न अवस्था में लड़कियों को घुमाया गया, शर्म आनी चाहिए। ना नरेंद्र मोदी बोले और ना अमित शाह बोले। एक बार जाकर के आए वहां पर उसी को दोहराने लगे हैं। आप जब ये सारी बातें करते हैं ना, तो ये भी चीजें सारी याद रखा करिए। और मैं ये भी कहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमारी राज्य की सरकार ने काम किए हैं, आपके पास उत्तर नहीं है। जो पहली सरकार है देश के अंदर जिसने राइट टू हेल्थ लेजिस्लेशन लाया है, कानून लाया है कि ओपीडी आईपीडी फ्री होगा, वहां पर चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर व्यक्ति को है, 10 लाख का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है। क्या कोई मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है इस तरह का इंश्योरेंस? इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने आयुष्मान दे रखा है सर, आयुष्मान दे रखा है। चरण भाई ऐसे आरोप भी तो मत लगाइए ना। नहीं, मनरेगा की तर्ज पर, मनरेगा की तर्ज पर अर्बन यूथ जो है उसके लिए भी हमने 100 घंटे का हमने राजस्थान के अंदर किया हुआ है, उनको शासन ने किया। एलपीजी गैस के आपके किसी शासन ने 500 रुपए में दी है जो राजस्थान में मिल रही है, वहां पर बिजली फ्री मिल रही है गरीब लोगों को, क्या आप लोग दे पा रहे हैं? तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो राजस्थान सरकार। एक सवाल मेरा जवाब दे दिया आपने, अपनी बात कह ली ना। मैंने इनसे सवाल पूछा कि इन्होंने राहुल गांधी का रावण वाला पोस्टर क्यों बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पूछा। अब मुझे बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री जी को रावण कह दिया, मतलब ये तो अति कर रहे हैं ना, दोनों पार्टियां लाइन क्रॉस कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, कर्नाटक के अंदर जो कुछ भी हुआ उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। मैं तो रावण कहने की बात कर रहा हूँ सर, मैं चुनावी नतीजे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को रावण कहेगा तो क्या है चुनाव जीतना? ये हर प्रश्न का उत्तर दे देता है कि जनता ने टोटली इनको वहां पर रिजेक्ट किया जहां की आप बात बता रहे हैं, और इसी तरह से जनता राजस्थान में भी रिजेक्ट करेगी इनको, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी करेगी, छत्तीसगढ़ में भी और तेलंगाना में भी। इनका सूपड़ा साफ होने वाला है, इसीलिए हताश निराश होकर के वही घिसी पिटी बातें जो है वो नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी और इनके तमाम सारे नेता कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनके पास में कोई कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान के जो कांग्रेस पार्टी के किए हुए कार्यक्रम है उसके ऊपर बोल के दिखाइए ना। मैं और आपको उदाहरण दे देता हूं, वहां पर 300 कॉलेज 5 साल में खोले हैं। क्या मध्य प्रदेश में 300 कॉलेज खुले हैं? वहां पर तो 26,000 स्कूल के अंदर बिजली नहीं है, 29,000 स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं। आप हमको सिखाएंगे प्रशासन? मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 17-18 सालों में शिवराज भाई एक बात बड़े लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ। चलिए बात हो गई, लंबा बोल लिया आपने, एक बात बड़े लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ का रिसर्च आज आपने पढ़ा नहीं है, सब काम राजस्थान ने ही कर दिया, छत्तीसगढ़ ने कुछ नहीं किया। नहीं तो छत्तीसगढ़ का भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आपको सब राजस्थान ही याद आ रहा है तो मैंने सोचा छत्तीसगढ़ के लिए आपकी थोड़ी तफरी ले लो। मनोज तिवारी जवाब दीजिए, काफी है। तुष्टीकरण की जब आप बात करते हैं मनोज तिवारी जी, तो आप यही चाहते हैं ना कि मुसलमान इनको वोट दे दे, हिंदू हमारी तरफ आ जाए? आप 80-20 का डिवाइड करना चाहते हैं चुनाव में, इसीलिए तुष्टीकरण का नारा? नहीं, हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम हमारा सबका साथ सबका विकास का नारा है दीपक भाई।
आपने एक सवाल हमसे पूछा था कि राहुल गांधी जी के 10 सिर, अभी तो उसमें 2-3 बचे हुए हैं, 2-3 और लगाना चाहिए। वो सारी बुराइयां जो उनके अंदर आ गई हैं उनको दिखाना जरूरी है। दूसरी बात, इन्होंने मणिपुर की बात कही, ये पूरा देश जी न्यूज देख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी मणिपुर के घटना पे गुस्सा, आक्रोश, दुख सब कुछ दिखाया है। और हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए, छापरा जी अब सुन लीजिए, छापरा जी सुन लीजिए, अच्छी लग जाती है ना छापरा जी, बहुत लंबा बोला आपने, मनोज भाई को सुन लीजिए, सच्चाई आती है प्लीज, आपकी जब सच्चाई आती है तो आप बीच में बोल पड़ते हैं, इतना फिर बंद हम बोलेंगे। बोलिए देखिए, हाँ हाँ तो सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट घटना, जैसे ही उसका वीडियो आता है प्रधानमंत्री स्वयं बयान देते हैं, गृह मंत्री जी वहां हो करके आते हैं। लेकिन क्या ऐसे भी जघन्य घटना घटी थी मणिपुर में, तो उस समय क्या कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री ने बयान दिया? नहीं, गृह मंत्री गए नहीं, बल्कि आप लोगों ने वो आग कांग्रेस वालों ने लगाई। तो इसको जब भी आप झूठ बोलेंगे, संसद में सारी बातें हो चुकी हैं। दूसरी बात, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं सापरा जी, कि मैं हर छत्तीसगढ़, राजस्थान हर जगह घूम रहा हूं, तेलंगाना भी गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे कहते हैं कि हम सनातन धर्म को नष्ट करके रहेंगे, नहीं मानेंगे। राहुल गांधी को पूछिए वो क्यों लगाते हैं शिव जी के मंदिर में जाकर के भस्म, क्यों लगाते हैं, क्यों देश को धोखा देते हो? और आप कांग्रेस के लोग, आप लोग सनातन धर्म खत्म करने के लिए आप लोग बयान देते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इस देश के लोगों को, जो भारत की संस्कृति है, जो सनातन है, उसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे कहते हैं कि हम सनातन धर्म समाप्त कर देंगे, और आप समझते हैं आपको राजस्थान में लोग आपको फिर खड़ा करेंगे, आपको छत्तीसगढ़ में लोग खड़ा करेंगे, आपको मध्य प्रदेश में लोग खड़ा करेंगे, सर तेलंगाना में खड़ा करेंगे। ये सपने जो हीरा लाल के सपने हैं वो रखे रहिए, मैं आपको बता रहा हूं। और जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है सापरा जी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दोनों जगह आपके सुपड़े साफ होने वाले हैं, और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, लाडली बहन के बारे में सुना है आपने, सारी बेटियों को लाडली योजना में जो मिलता है वो सब भी याद रखिए, और आपने जो लाडली बहनों को जो भट्टी में झोंका है आप लोगों ने वो भी याद रहना चाहिए, जो गर्दन काटी है आप लोगों ने वो भी याद रहना चाहिए, और इन सारी चीजों का फैसला इस चुनाव में होगा। ठीक है सापरा साहब, बाकी बात तो आप करिएगा, लेकिन सनातन वाला जो विवाद हुआ, जैसे ए राजा और बाकी नेताओं ने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया यानी वो तो चाहता है कि सनातन का समूल नाश हो, ये डीएमके के नेता लगातार कह रहे हैं, और आपकी तरफ से कोई काउंटर भी नहीं आया। आपके यहाँ से हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये तीनों राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तो धर्म भीरु राज्य है सर, यहाँ तो मुसलमानों का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, तो क्या हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए कांग्रेस को? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्म निरपेक्षता में बिलीव करती है, सर्वधर्म समभाव में हम बिलीव करते हैं। नहीं, सर्वधर्म समभाव में क्या सनातन खत्म किया जाता है? देखिए, ये आपकी आदत मुझे नहीं समझ में आती, आप उनको तो टोकते नहीं। सर, मैंने रावण का सवाल टोक के नहीं पूछा उनसे। ये अभी सुनिए मेरी बात, ये अभी आप बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए ना, बीजेपी का सर, थैंक यू सर, आपने बोला बीजेपी का एजेंडा चला रहा हूँ, सापरा साहब मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, हो गया मेरे थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे, सवाल वैसे ही मेरे दर्शक मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको 14 लोगों की लिस्ट में नहीं रखा, सवाल होगा तो बीजेपी का एजेंडा बड़ी। देखिए, ये तो सापरा साहब, थैंक यू, आपने आज ये बीजेपी की तुष्टीकरण मत करिए, चर्चा कर रहे हैं सर। नहीं, मैंने तो आपको बोल दिया, थैंक यू बोल दिया सापरा साहब ये करने के लिए। आप तो आपका शीर्षक ही तुष्टीकरण, तो आप बीजेपी का तुष्टीकरण मत करिए, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। देखिए, आज जनता के सामने क्या मुद्दे हैं पता है? बेटे ने भी कहा है, ये भी इनको याद दिलाइए, आना चाहिए, दो राज्यों के चुनाव हारने के बाद भी ये समझे नहीं, जरा जयराम ठाकुर जी को पूछिए, उन्होंने खुद कहा था कि हम अगर हिमाचल में चुनाव हारे तो मुख्य मुद्दे थे बेरोजगारी और महंगाई, ये मेन मुद्दे हैं, आपको भी शर्म आनी चाहिए।
नरेंद्र मोदी जेपी आप सनातन धर्म को नष्ट करके चुनाव जीतेंगे का दाम जो है वो जब 74 रुपए सनातन धर्म को नष्ट करके चुनाव जीतेंगे रुपए होता है तो फिर आपको भी शर्म आनी चाहिए। सापरा जी आप भागिए नहीं, 68 रुपए से ऊपर सापरा जी भागिए नहीं। अगर वो 98 रुपए या 96 रुपए डीजल होता है तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके राज्य में। अरे इससे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल तो आपके समय में था, आज के 10 साल पहले। जो कमर्शियल गैस है वो अब और आपने 4 दिन पहले महंगी की है, आपको शर्म आनी चाहिए कि जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है, खाने का तेल, पहनने की चीजें, ओढ़ने की चीजें, हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज की टिकट तक आपने जीएसटी लगा दिया है, हर वस्तु महंगी कर दी है। आज जो खाने का तेल पहले 70 रुपए में आता था, झूठ बोल रहे हैं आप, 200 रुपए लीटर में आता है। सबसे ज्यादा अगर महंगाई को कंट्रोल किया गया है तो हम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया गया है कर रहे हो। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपने पैसा कमाया है, 35 लाख करोड़ रुपया आपने 9 वर्षों में कमाया है, ये 35 लाख करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी, 35 लाख करोड़ रुपए की लूट जो आपने मचाई है, ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए चुनाव हार रही है। अभी भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है कि जनता के मुद्दे क्या है। जनता की पॉकेट खाली हो रही है, जनता के तन से कपड़े जो है वो फट रहे हैं, जनता बेरोजगार हो रही है और आपको इसकी कोई समझ नहीं है। विपक्ष या इंडिया गठबंधन जो है वो इन तमाम सारे जनता के मुद्दों को उठा रहा है। सप्रा साहब, इसीलिए हमें चलिए आप सवाल पूछ लेता हूँ। इसीलिए आप सवाल पूछ लो, आप अनुमति देंगे? आपकी नाकारा राजनीति के खिलाफ लोग आपको वोट कर रहे हैं। सप्रा साहब एक सवाल पूछ लो आपसे, नहीं पूछना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं लिस्ट में कब नाम आ जाए। नहीं लिस्ट में नाम की बात नहीं है, मुझे जो डरना पड़ता भाई, पूछ लो प्रवक्ताओं से, मैं सब पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछता हूँ आजकल, सवाल पूछ लो सर। अब मुझे ये बताइए सर, आप सर्वधर्म संभाव में बिलीव करते हैं तो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये क्या सर्वधर्म संभाव है भाई? सनातन धर्म को खत्म करने की बात जो है वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में नहीं कही है, ये मैं पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका हूँ, फिर आप उस बात को दोहरा रहे हैं। नहीं किया है मल्लिकार्जुन खड़गे के जनता बेटे ने किया है सर। जनता के मुद्दे जो है ना, ठीक है जनता के मुद्दे उठाएंगे। मनोज तिवारी जी का आखिरी, क्योंकि पहला कमेंट चरण सिंह प्रताप का था, मनोज तिवारी जी का क्लोजिंग कमेंट। दीपक जी ये जिस सवाल से भाग रहे हैं ना, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बेटे ने स्थिति बताई है, सही स्थिति बताई है मैंने। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है कि नहीं? धर्मनिरपेक्ष खड़गे जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि नहीं? इसको हम मानते हैं और हर व्यक्ति का धर्म जो है वो उसकी व्यक्तिगत आस्था होती है, उसको अपनी आस्था के हिसाब से अपने धर्म को निभाना चाहिए, ये हमारी सोच है। इसके ऊपर तो मैं स्पष्ट कह चुका हूँ, फिर आप उसी बात को घुमाते, आप ना महंगाई की बात करते ना बेरोजगार। तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हटवा दीजिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष से, किसानों का जो आप अपने अलायंस से उनको हटा दीजिए। क्या वो कर पाए हैं क्या? क्या किसानों को एमएसपी C2+50% दे पाए हैं क्या? स्वामीनाथन जी अभी बिचारे, ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा, 30 सेकंड में मनोज तिवारी जी को दे रहा हूँ, प्लीज सांप्रदा साहब बीच में मत बोलिएगा, उनका क्लोजिंग कमेंट नहीं हो पाया, आप दोनों ओवरलैप करने लगे। कांग्रेस ने, देखो दीपक जी, कांग्रेस ने सनातन को खत्म करने के लिए योजना बनाई है, हम सनातन का भी सम्मान करते हैं, सनातन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और साथ साथ पूरे धर्मों को सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इस छत्तीसगढ़ और राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव में इनके सनातन विरोधी इनके एजेंडे को लोग जवाब देंगे। मैं यहीं पर रुकूंगा। Zee.